ये क्या हो रहा है? भाइयों, आप लोग भोले लोग हो, आप लोगों को ठगा जा रहा है। कौन ठग रहा है हमें? वही बुद्ध और उसके भिक्षु। हमने सोचा क्यों ना आज उनकी परीक्षा ली जाए। प्रतिदिन निशुल्क ही भिक्षा ले जाती है। पर वो तो महात्मा लोग हैं। काहे का महात्मा? आज देखते हैं उनमें आध्यात्मिक शक्ति है या नहीं। यदि नहीं तो उन्हें धक्के मारकर राजगीर से बाहर निकाल देंगे। अवश्य। भाइयों भाइयों सावधान, दो भिक्षु इधर ही आ रहे हैं। आइए आइए भिक्षुगण, आइए। आप ही की प्रतीक्षा हो रही थी, पधारिए। देखिए यह चंदन का भिक्षा पात्र बांस पर रखा हुआ है। यदि आप बांस को बिना छुए चंदन का भिक्षा पात्र निकाल दें तो आपको भिक्षा मिलेंगी, अन्यथा नहीं। हमें क्षमा कीजिए। क्यों बंधु, समस्त गांव के समक्ष तो बड़े महात्मा बने फिरते हो और एक छोटा सा कार्य नहीं कर सकते? कैसे करेंगे, ये धूर्त है, घमंडी है, पाखंडी है ये लोग। नहीं 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 नहीं, ये पाखंडी नहीं, अपितु नपुंसक है, नपुंसक। तभी तो भिक्षुक बने फिर रहे हैं। पता है इसका गुरु, धूर्त गुरु बुद्ध भी अपनी पत्नी को आधी रात में छोड़कर भाग गया था। सत्य वचन। बस इसके आगे मेरे गुरु को एक भी अपशब्द कहा तो मेरे गुरु के चरणों की धूल भी नहीं हो तुम लोग। तुम्हें हमारी सिद्धि देखनी है, इस बांस के डंडे को बिना छुए इस चंदन के भिक्षा पात्र को मैं नीचे उतार लाऊंगा। साक्ष्य मुनि सिद्धियों के प्रदर्शन को अटकाने का साधन मानते हैं, परंतु इनके लांछन का प्रति उत्तर देना ही होगा। प्रभु 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 क्षमा कर दो, प्रभु प्रभु क्षमा कर, क्षमा कर। क्षमा किया। महात्मा अपना नाम तो बता दीजिए। त्रेत्या पुत्र। महात्मा महात्मा, जब तक आप हमारे हाथों ये पात्र ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं समझेंगे कि आपने हमें क्षमा किया। कृपया इसे ग्रहण करें। रहता पुत्ता के।
अब ये लोग धर्म को नहीं व्यक्ति को पूजेंगे। धर्म का विनाश होगा और चमत्कारी पूजे जाएंगे। इसके बाद संघ के किसी भी भिक्षु ने अपनी सिद्धि का प्रदर्शन किया तो वो मेरा सहयात्री नहीं होगा। मैं समाधान मांगता हूं, इन्होंने हमें अब जब कहे पूरा कहा, मैं चुप रहा, पर आप पर लांछन लगाए तो मैं सह नहीं सका। इन्होंने अपशब्द मुझे कहे, अपमानित मुझे किया, लांछन मुझ पर लगाए, पर मैं तो विचलित नहीं हूं, तो तुम क्यों विचलित हुए? इन सभी को परम सत्य की ओर ले जाना है। यदि आप सभी भिक्षु सिद्धि प्रदर्शन में फंसेंगे तो अपने मार्ग से भटक जाएंगे। माँ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ। आज देवदत्त काका है ना, मुझे वन में ले गए थे। वहाँ मैंने ये पीले पुष्प देखे। देवदत्त काका ने बताया कि ये पीले पुष्प आपको बहुत अच्छे लगते हैं। ये अच्छे है ना माँ? आज मैं देवदत्त से अत्यंत प्रसन्न हुआ। यदि इसने आजाद शत्रु को समझाकर मगध की सेना यहां नहीं रुकाई होती तो बहुत कठिनाई होती। आने वाली शाक्य सभा में देवदत्त की इस उपलब्धि का व्याख्यान में अवश्य करूं। मैंने कहा था ना कि हमारा पुत्र देवदत्त बड़ा ही होनहार है। और महाराज, सिद्धार्थ के वनवास के बाद आपका सहारा देवदत्त ही तो है। देवदत्त, तुम आजाद शत्रु से मिले, मगध के राजदरबारियों से भी मिले होगे। सिद्धार्थ के बारे में कोई बात हुई? सिद्धार्थ के विषय में बातें कैसे ना होती मां देवी। अजात शत्रु तो स्वयं सिद्धार्थ के बढ़ते हुए प्रभाव से चिंतित है। सिद्धार्थ के विषय में चिंता? महादेवी, अब सिद्धार्थ को लोग बुद्ध के नाम से पुकारते हैं। युवाओं में तो सिद्धार्थ का अनुयायी बनने की जैसे होड़ सी लग गई है। रह गहने सब त्याग कर युवाओं ने तो उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया है। और तो और, महाराज बिंबिसार स्वयं सिद्धार्थ के अनुयायी बन गए। सिद्धार्थ अब वहां की कुटिया बनाकर वहीं रहता है। भिक्षा पात्र में भिक्षा मांगता है दिन रात, और दिन में केवल एक बार भोजन करता है। देवदत्त, सिद्धार्थ ने हमारे लिए कोई संदेश भेजा? संदेश? क्या संदेश भेजेगा सिद्धार्थ? भूल गया है हमें मारन। महादेवी, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? हमें तो पलट अभिमान होना चाहिए कि हमारा सिद्धार्थ कितने लोगों को प्रभावित कर रहा है।
और फिर महाराज बिंबिसार वो तो स्वयं सिद्धार्थ के अनुयायी बन गए। सिद्धार्थ कपिल वस्तु का महाराज न बन सका, राज्य किया वो भी महाराज ना बनकर। अजात शत्रु से तुमने ऐसा क्या कह दिया कि वो तुरंत मान गया? अजात शत्रु मगध का नरेश बनने को व्याकुल है और मैं चाक्यों का महाराज। बस हो गया दोनों में सौदा कि वो महाराज बिंबिसार की सेना को यहीं रहने दे। और फिर उचित अवसर पाकर मैं अपनी सेना को वेश बदल कर मगध की सेना के रूप में वहां भी भेज दूंगा और महाराज बिंबिसार अजात शत्रु मगध का सिंहासन पालेगा और मुझे शाक्यों का महाराज घोषित कर देगा। सिद्धार्थ लोग बुद्ध के नाम से पुकारते हैं, बुद्ध के नाम से पुकारते हैं। राजगृह के युवा वर्ग में तो सिद्धार्थ का अनुयायी बनने की जैसे होड़ सी लग रही है। गृह गहने सब त्याग कर गेरुआ धारण कर पात्र में भिक्षा मांगता है दिन रात और दिन में केवल एक बार पूजन करता है बांस की कुटिया बनाकर वहीं रहता है। भूल गया है हमें मारा दुनिया। जो आदमी लोगों की बसी बसाई गृहस्थियों को उजाड़ रहा है, लोग उसी की जय जयकार कर रहे हैं। मेरे पति को भिक्षु बना दिया। तुम पाखंडी हो, तुम्हारे भिक्षु चमत्कार दिखा के युवाओं को फंसाते हैं और उन्हें भिक्षु बनाते हैं। अरे तुम्हारे जैसे ढोंगी को तो ऐसा दंड मिलना चाहिए। तुम करुणा का पाठ सिखाते हो ना सबको, लेकिन तुम्हें करुणा है। मित्र, यदि तुम अपने पड़ोसी के लिए कोई उपहार लाओ और वो उसे ग्रहण करने से मना कर दे तो वो उपहार किसके पास जाएगा? मेरे पास। उसी प्रकार जो तुमने मुझसे कहा, उस उपहार को मैंने स्वीकार ही नहीं किया तो वो स्वयं ही तुम्हारे पास चला गया। अब शब्द भी बुरे कृत्य हैं, उनका कोई प्रतिउत्तर नहीं, पर उनकी प्रतिध्वनि अवश्य है जो टकरा स्वयं आपके हृदय में जाती है। जिस प्रकार छाया मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती, उसी प्रकार बुरे कृत्य भी मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते। वो लौटकर दुख और बढ़ाते हैं। मैं यही कहता हूं, जागरूक होकर स्वयं को देखो। बुरे विचार, बुरे कृत्य स्वयं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो
आप महान हैं, आप शब्द का उत्तर आशीर्वाद, आप सच में महान हैं। मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं, मैं जाग गया हूं, तुम भी जाग जाओगे। अमात्य, इस संदेश के साथ और एक संदेश लिखो। अब शांति काल है, इस मास किसानों से कर नहीं वसूला जाएगा। ये तो बहुत उचित है महाराज। क्या हुआ दी? महाराज, यशोको। यशोधरा ठीक तो है? बहुत दिनों से वो यहां भी नहीं आई, क्या हुआ उसे? मैं नहीं कह पाऊंगी, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। यशोधरा, ये क्या है यशोधरा? कितना समझाया मैंने इसे, पर ये अपने निर्णय पर अड़ी है। माँ और पिताजी, आप मेरे लिए दुखी ना हो। अपनी राज रानी बहू को इस दशा में देखकर हम दुखी ना हो पुत्री। मेरा श्रृंगार भी वो थे और मेरी रूप सज्जा भी उन्हीं के लिए थी। यदि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया तो मैं उनका अनुसरण तो कर सकती हूं ना। हमारी पुत्री इस कठोर धरती पर सोए असहनीय है। जो उनका भाग्य वो मेरा भाग्य। अरे बहुत अन्याय हुए हैं तुम पर, इस अन्याय का अंत यही होगा। अमात्य। जी महाराज। देखा अपनी भावी महादेवी की दशा, विरह रोग ने उसे ऐसे तड़पाया है कि इस फूल सी बच्ची की हालत देखो। बहुत अनर्थ हुआ है इस पर अब ना होने दूंगा। तुम शीघ्र से शीघ्र मगध जाओ और सिद्धार्थ को वापस ले आओ। पिताजी, उनके मार्ग में बाधक बन जाए हम? कोई बाधा नहीं बनेगा उसके मार्ग में। सिद्धार्थ के पास जितने शीघ्र हो सके उतने शीघ्र जाओ। उसे कहना कि वन में ही रहना है तो कपिल वस्तु के वन में रहे। इस अबला की स्थिति का वर्णन कीजिए, क्या दोष है इसका जिसका दंड ये भुगत रही है? पिताजी कृपा कीजिए। सिद्धार्थ यहाँ होगा तो कम से कम तुम उसे देख तो सकोगे, उससे बात तो कर सकोगे। इस विरह के अग्नि में प्रतिदिन भस्म होने की आवश्यकता नहीं होगी। अमात्य चन्ना को साथ ले जाओ। सिद्धार्थ के हृदय में उसके प्रति प्रेम है, शीघ्र जाओ। जो आज्ञा महाराज। राहुल, चन्ना काका, इसको पिताजी को अवश्य दे देना और उनको कहिएगा कि मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। राहुल, इस तरह अपने पिता को विवश करना उचित नहीं। नहीं माँ,
आप उन्हें लेकर आएंगे ना? हाँ छोटे युवराज, आपके पिता के बिना मैं ना आऊंगा। देवी, आप युवराज सिद्धार्थ के लिए कुछ भेजना चाहेंगे? कोई संदेश? पहले मैंने उनके लिए कमल का पुष्प भेजा था, वो उन्होंने लौटा दिया। मैं तब भी नहीं चाहती थी और अब भी नहीं चाहती कि मेरे कारण उनके मन में कोई द्वंद्व हो। मैं उनके साधना के मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहती। यदि वो मेरे लिए कुछ भेजे तो मत लाइएगा, बस उनसे कहिएगा कि यदि वो कोई उपहार देना चाहते हैं तो यथासंभव अपने दर्शन दे दें। अमात्य, इस बार आप और चन्ना अपने महाराज को निराश नहीं करेंगे। कदापि नहीं महाराज, युवराज सिद्धार्थ आएंगे। इस तपस्विनी देवी यशोधरा का तप अवश्य सफल होगा। हमने छल से नहीं, बल से तुम्हें परास्त किया है। आपको पूर्ण विश्वास है कि मगध के सेना नायक हमारे साथ हैं? हाँ, वो बुद्ध और महाराज से आहत है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बुद्ध की लगाई हुई आग से इसका घर जलकर राख हो गया। सेना नायक का दामाद इसकी बेटी को छोड़कर भिक्षुक बन गया। जब इसने महाराज बिम्सार के सामने गुहार लगाई तो जानते हो उन्होंने क्या कहा? आपके दामाद ने दिशाहीनता को छोड़कर सही दिशा की ओर चलने का संकल्प लिया है। किसी के जले पे नमक छिड़कना कोई महाराज से सीख। मगध को इन दुर्दिनों से बचाने का संकल्प है। संकल्प है युवराज। यदि हमारे विद्रोह को कुचला गया तो मैं शपथ लेता हूं, प्राण दे दूंगा पर मगध पर और आप पर आंच नहीं आने दूंगा। मुझे तुरंत दो विश्वसनीय और निपुण तलवार चलाने वाले चाहिए। राज, केवल दो? दो बहुत हैं। बस उनमें महाराज का शीश धड़ से अलग करने का साहस होना चाहिए। मुझे महाराज बिंबिसार का कटा हुआ शीश चाहिए। आपके बुद्ध कहाँ मिलेंगे?
युवराज, युवराज, शाक्य मुनि बुद्ध। प्रिय भिक्षु, ये मेरे परम मित्र चन्ना है और ये पिता तुल्य अमात्य कपिल वस्तु के मंत्री। सात वर्ष हुए कपिल वस्तु छोड़े आपको, इतने तेजस्वी, इतना ओझ, मैंने कभी सोचा भी ना था कि मेरे भाग में ऐसी सुंदर आभा देखने को मिलेगी। माता प्रजापति और पूजनीय पिताश्री कैसे हैं? आपके जाने के पश्चात कभी भी हमने उन दोनों के चेहरे पे खुशी नहीं देखी। अब तो महाराज के स्वास्थ्य भी गिरने लगा है। शाक्यगण की सभा में वो अरुचि से जाते हैं। ये युवराज राहुल ने आपके लिए भेजा। राहुल, अब इतने बड़े हो गए हैं कि अपनी मां से हट करके ये आपको देने के लिए कहा। आप ही की तरह प्रतिभाशाली, हर विद्या में निपुण, हर घड़ी आपको याद करना। देवी यशोधरा कैसी? देवी यशोधरा के विषय में हम आपसे कुछ ना कहेंगे। आप स्वयं कपिल वस्तु आइए और उनका हाल देखिए। मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते ही लौट आऊंगा तुम्हारे पास, राहुल के पास। जब से आपने मुक्ति का मार्ग खोजा, कपिल वस्तु की सारी प्रजा आपको देखने के लिए आतुर है। एक जोर से महाराज और महादेवी के प्राण बंधे, कब वो अपने पुत्र सिद्धार्थ को देखे। देवी यशोधरा महल के द्वार पर होने वाली हर दस्तक पर चौंक जाती है और झरोखे की ओर भागती है, फिर निराशा उन्हें घेर लेती। उनकी पीड़ा का आभास राहुल को ना हो, इसलिए आपके बचपन की कहानियां उसे सुनाती। हम आपको कपिल वस्तु ले जाने आए। आप हमारे साथ आएंगे ना? मैंने प्रण लिया है आपको लिए बिना ना लौट। मैं कपिल वस्तु अवश्य आऊंगा। मैंने तुम्हें वचन दिया था यशोधरा, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। यशो, देखो मैं लौट आया, अपना वचन नहीं तोड़ा। रात्रि में गया था, रात्रि में ही लौटा। ये रात्रि बहुत लंबी थी। Thank you.
धुन मुझे दादी रानी ने सिखाई, कहती है कि पिताजी की प्रिय धुन है। माँ तुम बड़ी प्रसन्न दिख रही हो। हाँ हमारे पिताजी जो घर आ रहे हैं। सच माँ? हाँ हमारे पिताजी स्वयं मुझे स्वप्न में आकर कहकर गए। पुत्र जीवक है, जब से तक्षशिला से वापस आया है आपके दर्शन को व्याकुल है। आपके दर्शन को तो मैं भी अतुर थी। क्या अभ्यास करते हो? इस समय पिताश्री से पंचशील की शिक्षा ले रहा हूँ। क्या मैं बड़ा होकर आपका अनुयायी बन सकता हूँ? अवश्य, क्यों नहीं। पिछले कुछ दिनों से मुझे एक चिंता खाई जा रही है कि इस ऊपरी जीवन, इस सौंदर्य और उससे मिली प्रतिभा, क्या इसका कोई मूल्य है? अगर एक दिन ये नहीं रहा तो फिर क्या होगा? धूप भी ढलती है आम्रपाली, इस जीवन में स्थिर कुछ भी नहीं, और यही अस्थिरता हमारे मन में गहरे दुखों को जन्म देती है। वस्तु या धन का मोह ना हो, परंतु अपने सौंदर्य का मोह हमारे मन की गहराइयों में जड़ पकड़ कर बैठा है, जो अहंकार को जन्म देता है, उसे पालता है। परंतु यह क्षणिक है, जब तुम ध्यान में जाओगी तो पाओगी जो नश्वर है, तुम उसे पकड़ कर बैठी हो और तुम्हारे दुख धीरे धीरे विलीन होते जाएंगे। ऐसे सुख की अनुभूति होगी जिसे ना कोई काल छीन सकता है, ना ही आयु मिटा सकती है। मैं आपके बताए हुए मार्ग पे चलूंगी। आप मेरे अम्र वन के महल में पधारिए, मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं अवश्य आऊंगा। जब आप आम्रपाली से बात कर रहे थे तो उसके रूप का कोई आप पे प्रभाव ही ना पड़ा। आप में अजर चेतना है, पर इसी भिक्षु के समक्ष ऐसी सुंदर स्त्री आ जाए तो किस प्रकार वो आपसा संभाव उत्पन्न करे? रूप और कुरूप, ये दोनों ही विभाजन हमारे मन ने ही बनाए हैं। ये उन्हीं पांच तत्वों से मिलकर बना है जिससे सारी सृष्टि बनी है। यदि हम एक कलाकार की दृष्टि से देखें तो कोई भी वस्तु अद्भुत और कोई भी वस्तु कुरूप ही दिख सकती है। ये बादल, ये हवा, ये सूर्य की किरणें, पतझड़ में सुनहरे वृक्ष और ये बांस का मनोरम वन, सब सुंदर है। संभवतः ऐसी कोई सुंदरता नहीं जो एक मनुष्य की एकाग्रता को क्षीण कर सके, जितनी नारी की सुंदरता। यदि नारी के रूप ने मनोग्रहित किया तो पुरुष अपने मार्ग से भटक सकता है। यदि आप अपने चित्त की गहराई में जाकर देखें
तो आप जिसे सम्यक दृष्टि से देख रहे हैं वो दोनों कभी आपको अपने मुंह में नहीं बांध सकेंगे। फिर सौंदर्य क्या है बुद्ध? सौंदर्य जो अमिट है, जो कभी दुखों का कारण नहीं बनेगा, वो करुणामयी मुक्त हृदय कभी भी कार्य कारण से बंधा नहीं होता। वो हृदय जिसमें शांति और आनंद का भाव हो, वही परम सत्य है। बस अभ्यास करो, ये द्वार सबके लिए खुले हैं। बस पहला पग आपको स्वयं उठाना है। धन्यवाद आपका। आपकी जिज्ञासा से सौंदर्य ज्ञान हमें मिला। मैं भी क्या सोच कर आया था और देखो क्या हो रहा है। मैं बुद्ध को कपिल वस्तु ले जाने आया था, पर अब मैं स्वयं यहीं रहना चाहता हूं, आपके संग में, आपका भिक्षु बनकर। आप मुझे भिक्षु बनाएंगे ना? अवश्य। कपिल वस्तु जाने के बाद प्रणाम महाराज, देवी अमरपाली आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आज मैं बहुत आनंदित हूँ। धन्य भाग हमारे, तो आज बुद्ध के दर्शन मिले। जीवक भी पूछ रहा था कि वो बुद्ध का अनुयायी बन सकता है या नहीं। कोई नहीं मान सकता कि ये दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं। एक पुत्र बुद्ध को पूछता है और दूसरा पुत्र बुद्ध को कोसता है। न जाने अजात शत्रु की महत्वाकांक्षाएं उसे किस गहरी खाई में ढकेल देंगी। क्षत्रियों का धर्म केवल युद्ध करना नहीं है, शांति स्थापित करना भी क्षत्रियों का ही धर्म है। इसे दंड हम देंगे। तुमने मगध नरेश बिंबिसार के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है। हम सब में वही चेतना की नदी है, परम ज्ञान का द्वार हम सब के भीतर है। जाओ, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। जिसने आप पर वार किया उसे जीवन दान दिया आपने? मैं बुद्ध का अनुयायी हूं, उनके पंचशील सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कर सकता। पर इससे पूछिए तो सही, यह आक्रमण आप पे किसने करवाया? जानता हूं उसे जिसने ये आक्रमण करवाया। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा।
सौंदर्य अनित्य है, इसीलिए भाव बोध से मुक्त पुरुष न सुंदरता से सम्मोहित होता है और न ही कुरूपता से विरक्त।